मुझ जैसे जो एक बिल्कुल जो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से जिसका कोई परिवार से संबंध नहीं है, यही भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि एक आम आदमी को भी वो कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना जी का, हमारे सेंट्रल मंत्री अशोक कोल जी का, हमारे जनप्रिय नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, हमारे जिलाध्यक्ष जी का, और जो हमारे पूर्व में मंत्री जो हैं राजीव जी का, हमारे युद्धवीर सेठी जी आए हैं, और पूरी आला कमान का मैं धन्यवाद करूंगा। मैं अपने आप को इन चीज़ों के काबिल नहीं समझता था, लेकिन पार्टी है उसका एक अपना नज़रिया होता है कार्यकर्ताओं को देखने का, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करूँगा। देखिए, मनगढ़ंत कहानियों का कोई जवाब नहीं होता। मैं ये कहूँगा कि सारे के सारे यहीं आपके सामने खड़े हैं, ठीक है ना, तो वो जो कहानियाँ बना रहे हैं वो तो आदमी दिखा रहे हैं साधु सामने, तो ऐसा कुछ है नहीं। काल्पनिक बातों का क्या जवाब दूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसका कार्यकर्ता पार्टी के संगठन को बातें मानता है, और पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि होता है, व्यक्ति विशेष सर्वोपरि नहीं होता। इसलिए हमारे लिए संगठन सबसे प्रथम देश होता है, उसके बाद हमारा जो अपना कोई व्यक्तित्व तो लास्ट में आता है। इस मंच पर कौंसिल का कार्यभार संभाला और अपने कुशल नेतृत्व से एक अच्छी तरीके से कमेटी को चलाने का प्रयास किया, मगर चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। पार्टी ने, संगठन ने, जब वॉलंटरली नरेश जी ने रेजिग्नेशन सौंपा तो आज एक ये चेंजिंग फेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो आने वाले समय में जो बागडोर प्रेमनाथ डोगरा जी जो संभालने जा रहे हैं, आज हमने नॉमिनेशन फाइल किया है, इनको और इनके साथ जिला अध्यक्ष को, तमाम काउंसलर्स को, तमाम टीम को, तमाम भारतीय जनता पार्टी को कार्यक्रम बहुत बहुत मुबारक है कि आज हमने नॉमिनेशन फाइल किया है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।